વાંસદા ખાતે આવેલી ઇંગ્લિશ મીડિયમ એકેડેમી સ્કૂલમાં નવરાત્રી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ પહેરી રાસ ગરબાની રમઝટ માણી હતી. શ્રી વાંસદા કેળવણી મંડળ સંચાલિત ઇંગ્લિશ મીડિયમ એકેડેમીમાં યોજાયેલ નવરાત્રી પર્વ નિમિત્તે નાના ભૂલકાઓ પણ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ પહેરીને રાસ ગરબામાં ભાગ લીધો હતો, જ્યારે આ કાર્યક્રમ નિમિત્તે વાલીઓ માટે રંગોલી અને ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. इंग्लिश मीडियम एकेडमी में हम बिलीव करते हैं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी सब का एक्टिविटीज में भी उनको हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए. और फेस्टिवल्स एक बहुत अच्छा मौका है लोगों को साथ लाने का, बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताने का. इसलिए आज हम लोगों ने बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा था, उसके साथ ही तोड़िया का कॉम्पिटिशन रखा था, साथ में पेरेंट्स ने भी भाग लिया, टीचर्स, ट्रस्टीज, सब लोगों ने भाग लेके आज जो नवरात्रि का पहला दिन है उसको बहुत ही अच्छा बनाया. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी स्कूल ने इस तरह की चीजों को अरेंज करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले, वो आगे बढ़े. दैट्स ऑल, थैंक यू. आज हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम एकेडमी में नवरात्रि सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे स्कूल के नर्सरी से लेकर नौवीं कक्षा तक बच्चों ने भाग लिया था. और ये कार्यक्रम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसके लिए वाजदा के सभी लोग और उन बच्चों के माता पिता यहाँ पर उपस्थित थे. उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया और बहुत ही हंसी खुशी से ये प्रोग्राम हमने इसका संपन्न कर दिया. और दोपहर के समय पे यहाँ पे पेरेंट जो है बच्चों के, उनके लिए हमने रंगोली कंपटीशन का आयोजन किया था, जिसमें काफ़ी पेरेंट्स ने भाग लिया था और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को बाहर निकालते हुए उन्होंने रंगोली बनाई और उसका अच्छी तरह से प्रदर्शन किया गया.